हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। 8 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले हैं आज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और हाँ, कल के दिन एक लगभग 15-16 घंटे का एक वीडियो है जिसमें पूरे 2022 के हरियाणा करंट अफेयर है एक ही वीडियो में। उस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आप 2x की स्पीड पे देख लोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। पूरे 2022 के बड़े ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से एक एक सवालों को पढ़ाया गया है। उससे बाहर आपको हरियाणा करंट अफेयर के लिए कोई बुक या कोई किताब या कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। आइए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि गणतंत्र दिवस 2023 पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो इस सवाल का सही आंसर था 14। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था इसका हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, भगवान परशुराम के नाम पर किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा हरियाणा के कैथल जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कैथल के सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम जो है ना, वो भगवान परशुराम जी के नाम पे होगा। कैथल का सरकारी मेडिकल कॉलेज इसी नाम से अब जाना जाएगा। इसके आदेश मुख्यमंत्री जी ने भगवान परशुराम महाकुंभ में जो है ना, इसकी घोषणा की है। तो एक सिंपल सा सवाल, बस इतनी ही बात याद रखनी है। कैथल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कैथल का हेडक्वार्टर कैथल में ही है और इसका क्षेत्रफल लगभग 2371 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, इस जिले का लिंगानुपात कितना है, 881 है 1000 पुरुषों पर। ये 2011 का है, याद रखना। घग्गर और सरस्वती नदी यहाँ की बहुत ही फेमस नदी है और कैथल का विद्रोह 1843 में हुआ था, ये भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे गेहूं और चावल मुख्य फसलों में उगाई जाती है। हरियाणा की छोटी काशी कहलाता है ये नवग्रह कुंड की वजह से। कपिल मुनि की नगरी कहलाता है, गुरुद्वारों का शहर कहलाता है, कपिल स्थल कहलाता है, हनुमान जी की जन्मस्थली भी यही कहलाता है कैथल। कैथल में 8 दरवाजे हैं चारों ओर, इनके नाम है, एक जीवन गेट है, एक माता गेट है, एक प्रताप गेट है, एक डोगरा गेट है, एक रेलवे गेट है, एक कोठी गेट है, एक चांटना गेट है, एक क्योडक गेट है, तो ये भी याद रखना। ऐसे हिसार जिले में भी 4 गेट आपने पढ़े होंगे। हिसार में एक तो मोरी गेट है, एक हिसार में दिल्ली गेट है, ठीक है ना, और एक हिसार में तलाकी गेट है, ठीक है, और एक हिसार में नागोरी गेट है, ठीक है ना। ये 4 गेट है हिसार के, याद रखना आप लोग। कैथल में एक नीम साहिब गुरुद्वारा है, टोपियों वाला गुरुद्वारा भी है, मंजी साहिब गुरुद्वारा भी है, गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। एक इंडोर स्टेडियम है, एक महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम है, कैथल के अंदर ही स्थित है ये। एक 11 रुद्री शिव मंदिर भी यहाँ कैथल के अंदर है। और एक अम्बकेश्वर, ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले पेपर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ स्थित शिवलिंग को जो है ना, पातालेश्वर और स्वयं लिंग के नाम से भी जाना करते हैं। गीता मंदिर और राधेश्याम पुंडरी मंदिर भी ये स्थित है। प्राचीन इंटो का मंदिर कलायत में है, ये भी यहीं का ही प्रसिद्ध है। एक बाबा लदाना, कैथल से 10 किलोमीटर दूर बाबा लदाना राजपुरी का जन्म स्थल है। और स्थान पर बाबा जी ने कठोर तपस्या करके सिद्धि पाई थी। स्थान को बाबा जी की समाधि और यहाँ पे तालाब है, तो बाबा लदाना का मेला भी लगता है यहाँ पे। एक गांव फरल में जो है ना, फाल्गु मेला लगता है और पुंडरी तालाब के पास स्थित है। और महाभारत कालीन तालाब है फाल्गु तालाब यहाँ पे, ठीक है। किस रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। देखिएगा, देश हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहा है। हमारे बजट में भी ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात की गई थी और देश कोशिश करेगा आने वाले 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना, वो हाइड्रोजन का उत्पादन करे। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा मुझसे थोड़े दिन पहले कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात के अंदर एक शहर है, सूरत शहर है। सूरत के पास में जो है ना, हमारी जो पाइपलाइन गैस है, जो पाइप नेचुरल गैस है, इसके साथ 5% हाइड्रोजन मिलाने का जो है ना, वो भी बेसिकली सबसे पहला काम स्टार्ट किया गया था। तो हाइड्रोजन पे तवज्जो दी जा रही है और उसकी वजह भी क्या है मैं बताता हूँ। वजह यह है कि हाइड्रोजन जो है ना, ये दुनिया का सबसे नीट एंड क्लीन फ्यूल है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला फ्यूल है। अगर आप लोग मान लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो गोबर के उपले 4 से 5 ही देते हैं,
लकड़ी की बात करते हैं तो 16-17 के आसपास ही क्लोरोफिक वैल्यू है। अगर आप कैरोसिन की बात करते हैं तो लगभग 42 है, डीजल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 45 है, और पेट्रोल लगभग 50 है, सीएनजी एलपीजी लगभग 50 से 55 के अराउंड है दिया आपकी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है ना वो 150 देता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू है। दूसरी बात ये कि जलाने पर कोई वेस्टेज नहीं छोड़ता। आप कहोगे सर D2O तो छोड़ता है, डिटोरियम ऑक्साइड जिसको आप लोग हैवी वाटर कहा करते हो, ठीक है ना, भारी पानी, लेकिन ये भी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में जो है ना यूज़ किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में देखा जाए तो, ठीक है। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने का संचालन भारत में होने वाला है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी ये कालका शिमला मार्ग के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हेरिटेज स्थान पे चलेगी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, उन्होंने बजट के बाद में इसकी घोषणा की है चलाने की, ठीक है, तो इस रूट के ऊपर चलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नैरो गेज ट्रैक पर रेल मोटर कार के स्थान पर जो है ना ये विशेष रूप से ट्रेन जो है ना वो ट्रेन चेन्नई से कालका पहुंच गई है, तो ये एक बहुत छोटी सी ट्रेन होगी, यूं कहिएगा टॉय ट्रेन टाइप से ही समझिएगा इसको, ये हाइड्रोजन ट्रेन एक प्रोटोटाइप है ऐसा, जापान वगैरह में तो चलती है। अभी कालका शिमला ये ट्रेन मैं इसमें चढ़ा हुआ हूँ, हो सकता है आप भी कभी गए हों तो यहाँ पे, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड कर दिया है। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेलमार्ग की शुरुआत हुई थी वैसे, और 1896 में इस रेलमार्ग का निर्माण शुरू हुआ था। 96 किलोमीटर रेलमार्ग है, 18 स्टेशन इसके ऊपर आते हैं, और 103 सुरंग से होकर कालका शिमला रेल लाइन गुजरती है, और बड़ोग रेलवे स्टेशन पर 33 नंबर बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई लगभग 1143.61 मीटर है, इसको नैरो गेज लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना, और ये रेल मार्ग 120 साल पुराना है लगभग लगभग, अंबाला डिवीजन के अंतर्गत ये रेल मार्ग आया करता है डियर, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खुदाई जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट हुई है, पुनः खुदाई ये राखी गड्डी में हुई है, ये हिसार के अंदर है, हिसार बस स्टैंड से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे थोड़े समय पहले अभी सोने के आभूषण के जो है ना फैक्ट्री मिली थी आपकी, और इसके अलावा जो है ना वो खट्टी दाल, ठीक है ना, खट्टी दाल के जो है ना वो भी अवशेष मिले थे, बर्तन वगैरह मिले थे, और इसके अलावा नर और मादा, ठीक है ना, नर मादा यानी कि प्रेमी जोड़ों का कंकाल भी जगह पे मिला। सबसे बड़ी ये साइट है, माना जाता है कि ये लगभग 900 एकड़ से ज्यादा की फैली हुई है, लेकिन अब तक 500 एकड़ तक का जो है ना इसका खोज हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है, और इसकी खुदाई 1997 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर है अमरिंदर नाथ, उनकी अगुवाई में की गई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, हालांकि इससे पहले 1969 वगैरह में भी इसकी खुदाई हो चुकी है। पुणे के डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर वसंत सिंधे और उनकी टीम ने भी यहाँ पे खुदाई ऑलरेडी कर दी है, यहाँ पे बहुत सारे DNA वगैरह भी मिले हैं, आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि भारत के मूल निवासी थे, इससे ये भी पता लगा है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना राखी गढ़ी के पास और भी गांव है, जैसे राखी खास है, गामडा है, हैबतपुर है, लोहारी है, रागो गांव है, इसके एरिया में विशेष सभ्यता पाई गई है, और यहाँ पे लगभग लगभग जो है 1996 में 150 एकड़ भूमि को सरकार ने अपने कब्जे में लिया था, केंद्र सरकार ने, और 138 एकड़ भूमि है पंचायत की थी, और 12 एकड़ भूमि निजी लोगों की संपत्ति थी, तो टीलों को 7 जोन में बांटा गया है जिनकी खुदाई जो है ना की गई थी। अब लगातार यहाँ पे रिसर्च वगैरह चल रही है खुदाई वगैरह के अंदर, ठीक है, और ये अग्रवा स्थल है, और ये हांसी का एक पड़सी गेट है। ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में लड़कियों का खिताब किसने जीता है? ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में लड़कियों का खिताब अभी हाल में 29 हुड्डा ने जीता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक है, 29 हुड्डा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 29 हुड्डा अंडर 17 के अंदर जो है ना इन्होंने 29 से 4 दिसंबर के बीच में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है ना, और एशियन जूनियर चैंपियनशिप के अंदर। ऐसा ही एक रिलेटेड सवाल और है कि इनमें से किसने फरवरी 2022 में ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 लड़कों का एकल खिताब जीता, वो तो लड़कियों का था, लड़कों का जो जीता है ना इनका नाम है शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। इन्होंने 4 फरवरी 2022 को ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में अंडर 19 लड़कों और लड़कियों का एकल खिताब जीत लिया है ये, ठीक है, तो ये भी बात एक इंपॉर्टेंट है जो जरूर आपको याद रखना है।
और बैडमिंटन से जब भी नाम याद आता है ना तो पीवी सिंधु का नाम जरूर याद आता है। हरियाणा के पेपर में सवाल आया था ना कि पीवी का पूरा नाम पूछा था, पुरसेला वेंकट, याद रखना। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है ये, क्योंकि 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने पदक जीता था सिल्वर मेडल, और 2020 का हालांकि हुआ 21 में था टोक्यो ओलंपिक, वहां पे इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया, और लखनऊ के बाबू बनारसी इंडोर स्टेडियम में जो है ना वो शिखर संघर्ष में मालविका बसोड को 21-13 और 21-16 से इन्होंने हराया था इन्होंने। और एक बात और बताता हूँ कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो स्थापना इसकी 5 जुलाई 1934 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका क्वालालंपुर मलेशिया में है, और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट सिटी भी है, ठीक है, बड़ी इच्छा है मेरी यहाँ जाने की एक बार लाइफ में। राष्ट्रपति यहाँ के पॉल एरिक है, मतलब इसके राष्ट्रपति यहाँ के नहीं, मतलब इस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, एरिक हॉर लॉसन, ठीक है ना। और एक किदाम्बी श्रीकांत है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये भी जरूर आप लोग याद करना डियर, ठीक है। सब जूनियर स्टेट महिला हॉकी चैंपियनशिप किस खिलाड़ी की टीम ने जीती है? सब जूनियर स्टेट महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है ना ये जीती है हिसार ने, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। टीम के 8 खिलाड़ी सोनीपत के थे, और हिसार और सोनीपत दोनों टीमों ये खिलाड़ी हरियाणा की टीम में शामिल हुए, और मणिपुर में टीम को 4थी बार जो है ना वो चैंपियन बना दिया, और फाइनल उपविजेता झारखंड में 2-0 के स्कोर से मैच जीता, और सेमीफाइनल मध्य प्रदेश के 8-0 के स्कोर से जो है ना ये जीते थे। इतनी बातें आप लोगों को जो है ना याद करनी है। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ आज के सेशन का, क्या कि आप मुझे बताइएगा कि मणिपुर जो है ना, मणिपुर इसकी झील के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी इसकी झीलें हैं, और कोई खास इंपॉर्टेंट बात है तो बताना। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कोई क्लासिकल डांस है तो बताना। मणिपुर के सीएम कौन है, मणिपुर के गवर्नर कौन है, और मणिपुर की कोई खास विशेषता आपको पता है, जैसे लाइक ILP के बारे में कुछ जानते हो आप लोग तो भी मुझे बताना। आज आपका होमवर्क ये है सवाल का। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल सुबह 5 बजे, तब तक अपना ख्याल जरूर रखना।